तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2020 और 22 सत्र से बीएड वहां पर कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में अभी आप हैं और आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चा आज के वीडियो में हम मेंशन करेंगे कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, जो पेपर में न्यूज आ रही है वो अभी क्या न्यूज है, क्या डेट है, आपके एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है जो पेपर के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, जो पेपर में न्यूज पेपर में आ रहे हैं बच्चा, वो कौन सी डेट है, कब से आपके एग्जाम से स्टार्ट होंगे, वो सारे अनाउंसमेंट आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चा बता दें आपका 17/5/2022 को 3 नोटिफिकेशन आता है। ये वीडियोज मेरा थोड़ा सा डिले अपलोड हो रहा है बिकॉज कुछ टास्क आ गए थे जिसकी वजह से इसे हम ऑन टाइम शूट नहीं कर पाए, लेकिन कोई नहीं बच्चा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 अपडेट्स हमारी क्या क्या है। जैसा कि यहां पर सबसे पहला अपडेट यही है, सत्र 2020 और 22 में जो भी बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, जैसा कि अभी अगर आप 2020 और 22 में एडमिशन लिए थे तो अभी आपका सेकेंड ईयर होगा, 2021 में जब बच्चा आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था तो वहां पर पेपर नहीं आयोजित किया गया था, वहां पर जो भी बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया था, फर्स्ट ईयर के बच्चों क्या किया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, तो ऐसे में उनका जो परीक्षा फॉर्म था वो अपूर्ण रह गया था। और यहां पर अभी वही बातें की जा रही हैं, ऐसे संदर्भित छात्र जिनका परीक्षा फॉर्म अपूर्ण था किंतु वर्ष 2021 बीएड प्रथम वर्ष में प्रोन्नत हो गए थे के संबंध में परीक्षा समिति दिनांक 23/3/2022 के अनुपालन में ऐसे विद्यार्थियों के 2021 के प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म पूर्ण कराते हुए वर्ष 2022 में बीएड द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया है। इन द सेंस कि मतलब यहाँ पर आपसे बातें इतनी हो रही हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने हैं, आफ्टर दैट आपको सेकेंड ईयर पे आना है, उसके बाद ही आपका सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल होगा अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के फॉर्म को फिल करते हैं तो। यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे आप चलेंगे बच्चा, जैसा कि आप सभी को यहां पर दिख रहा है 2022 और 20 और 22 के बच्चों के लिए ही बोला गया है कि 7/5/2022 से 11/5/2022 तक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, जिसे विस्तारित करके 20/5/2022 तक पुनः पोर्टल खोला जा रहा है, किस लिए, बीएड प्रथम वर्ष 2021 हेतु सभी मानकों के अनुसार जो बच्चे आहार्य थे उनका परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विद्यालय ने ए पोर्टल आपका ऑन टाइम, विश्वविद्यालय ने ए पोर्टल आपको ओपन किया था 7/5/2022 से बच्चा 11/5/2022 तक का आपका पोर्टल खुला था, जो कि अभी बढ़ा दिया गया है 20/5/2022 तक। तो हम यही कहेंगे जिन बच्चों के भी फॉर्म अभी नहीं भराए गए हैं वो जाके अपने फॉर्म अब भी भर लें बच्चा, बिल्कुल भी लेट ना करें। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पर दे रखे हैं, आप जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और हम इसे बच्चा अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर सकते हैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर बच्चा देखो एक पॉइंट और आपको देता है, विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म नियमानुसार समस्त संलग्नों सहित बीएड परीक्षा विभाग में दिनांक 21/5/2022 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, यानी आपके फॉर्म जो है, एग्जाम फॉर्म जो है बच्चा, वो 21/5/2022 तक यूनिवर्सिटी में यानी विश्वविद्यालय में जमा हो जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा फॉर्म पूर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थी बीएड द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरते हैं तभी आप सेकेंड ईयर के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। ये बच्चा आपका पहला नोटिफिकेशन था। वहीं पर अगर आप दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संबंध राज्य की अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थानों में प्रवेशित छात्र 2020 और 22 के प्रथम वर्ष 2021 में प्रोन्नत कर दिए गए थे, यानी उन्हीं बच्चों के लिए जो 2020 और 22 में बीएड वहां कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां पर क्या कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, परंतु कुछ विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जमा न होने के कारण उनके नामांकन संख्या आवंटित नहीं है, तो तथा कुछ विद्यार्थी जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित हैं परंतु नामांकन संख्या परीक्षा फॉर्म में न अंकित होने के कारण प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रोन्नत का अंक तालिका में नामांकन संख्या अंकित नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 में प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अनुक्रमांक
से बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपके जो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है, रोल नंबर के माध्यम से आप अपने परीक्षा के फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है, जैसे कि अगर आप लोगों ने वहां पर मेंशन नहीं किया था तो आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप अपने फॉर्म को अपने रोल नंबर के थ्रू भी अपने एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। यही बातें यहां पर ओवरऑल कही जा रही हैं कि अगर आपके पास आपका रोल नंबर है तो अपने रोल नंबर के माध्यम से भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका बच्चा यहां पर पॉइंट है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता काउंसलिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संबंध राजकीय, ये सारी बातें लिखी गई हैं। सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष 2020 में प्रोन्नत कर दिया गया था, परंतु किसी कारणवश मुख्य परीक्षा 2021 में द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। अथवा परीक्षा में सम्मिलित ना हो सके, अनुत्तीर्ण हो गए, ऐसे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा 2022 के साथ द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म भूतपूर्व परीक्षार्थियों के रूप में भरेंगे। यानी प्यारे बच्चों, सोचो एक इतना अच्छा आपको मौका मिल जा रहा है। अगर आप 2019-2020 में चौधरी चरण सिंह सीसीएस से अगर आपने बीएड कर रखा था, लेकिन आपका किसी कारणवश बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर था आपका छूट गया था, या आपने अपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे, तो फिर से आपको यूनिवर्सिटी एक मौका देती है कि आपने परीक्षा फॉर्म को भर के भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा को फॉर्म भर के अपना इस बार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो एक सुनहरा अवसर है उन बच्चों के लिए जिनका सत्र 2019 और 2021 था। अगर आपका किसी कारणवश परीक्षा छूट गया था तो आप फिर से जाके परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में, और जाके अपने एग्जाम्स को इस सत्र में बैठ सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक बच्चा, ये आपका दूसरा नोटिफिकेशन था। वहीं पर तीसरा नोटिफिकेशन बहुत खास नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहां पर कहा गया है बीएड प्रथम वर्ष 2021 सत्र 2020-22 की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी, ऐसे परीक्षार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था। ये बातें तो आप बार बार देख ही रहे हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो यहां पर देखो जो सबसे मेन पॉइंट आपका बच्चा है इसमें, अंक तालिका के जांचों प्रांत पाया गया है कि कुछ परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक 50% से कम है। जैसे बच्चा स्नातक में अगर बात की जाए, आप सभी को पता है बीएड करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास 50% मार्क्स है तो आप जाके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ऐसा है तो आप जाके वहां पर अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म भर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका बीए में स्नातक डिग्री में स्नातक में उनका 50% से कम नंबर था, लेकिन उन्होंने किसी भी माध्यम से अपना वहां पर कॉलेज में एडमिशन ले लिए। हालांकि उनके एडमिशन के लिए असंख्य मांगा है यूनिवर्सिटी ने कि कॉलेज ने किस बेस पे उन बच्चों का एडमिशन लिया है जिनका 50% से कम था। ये नोटिफिकेशन आज यूनिवर्सिटी ने इसे दे रखा है और उन्होंने कॉलेजों से ये ब्यौरा भी मांगा है कि आप बताएं कि आपने किस बेस पे बच्चों का एडमिशन लिया है। तो वही बातें कही जा रही हैं बच्चा, जिन बच्चों के 50% से कम नंबर थे वे जाके वहां तो एडमिशन ले लिए। तो बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं। विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार स्नातक या परास्नातक उपाधि 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है 50% नंबर रहेगा तभी आप बीएड कर सकते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थी बीएड में प्रवेश हेतु आर्य नहीं है जिनका 50% से कम नंबर है, उनके बारे में बात कर रहा है। यदि सूची में अंकित किसी विद्यार्थी का कोई आपत्ति है तो आप 20/5/2022 तक महाविद्यालय विभाग में अपना पक्ष भेज भी सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो विश्वविद्यालय जो है स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर सकता है। और देखो यहाँ पर आगे लिखा है अग्रतर, यदि किसी विद्यार्थी को भी स्नातक स्तर में कुल प्राप्तांक 50% से कम पाए जाते हैं तो उसका समस्त दायित्व महाविद्यालय संस्थान विद्यार्थी का ही होगा। ठीक है, और बच्चा नीचे चलेंगे तो इस सूची में विद्यार्थी